यादव द्वारा जो है लड़की का अपहरण किया गया और उसे पूना तक ले जाया गया, उसका अपहरण हुआ है और सब उसके साथ बलात्कार किया गया। आज तक में सारे सक्षम अधिकारी आईजी डीआईजी कप्तान पुलिस डीएम सबको सूचना दिया, लेकिन आज तक मेरी FIR दर्ज नहीं की गई। महोदय, मैं आज भी पीड़ित हूँ। मेरी लड़की साधना सिंह जो है जहर खा लिया और आत्महत्या करने की कोशिश की। मैं आज भी परेशान हूँ, मेरी FIR दर्ज कहीं नहीं की जा रही। सर, मैं पूरे परिवार को जान से मारने के लिए सपा अध्यक्ष अशोक यादव ने जो है ठीका दे चुके हैं। पताली पैसा दे चुका है सर, और मेरी हत्या होगी तो पताली और मक्खन ही जिम्मेदार होंगे। सपा अध्यक्ष यादव, अशोक यादव सर, क्या आपके डिपार्टमेंट में कोई सुनवाई नहीं हो रही है? हमारे डिपार्टमेंट में सागर मैंने दरखास्त दिया, आज तक मेरी डिपार्टमेंट ने कोई कार्रवाई नहीं की, मेरी मदद नहीं की सर। क्या पुलिस डिपार्टमेंट किसी सुनती नहीं है क्या इस समय? इस समय किसी की नहीं सुनवाई कर रही। मैंने कई बार थाना अध्यक्ष महोदय से लिखित तहरीर दिया, आज तक मेरी कोई कार्रवाई नहीं की गई महोदय। फिर जहर उसके बाद उसको पिता को बराबर धमकी दिया जाता है कि हम जान से मार देंगे, और जान से मारने के लिए सुपारी दी गई है, इसलिए वो लड़की जहर खा लिया कि मेरे पापा की जान मेरे वजह से क्यों जाए, ऐसे अच्छा कि मैं ही मर जाऊं। इसलिए वो पीड़ित होकर के जहर खा लिए, कहीं उसकी कार्रवाई सुनवाई नहीं हो रही थी। वो भी मामला आया था, उसमें हमने जांच के आदेश दिए हैं और डॉक्टर्स ने उनको जहर का कोई असर नहीं पाया और डिस्चार्ज भी कर दिया है। बाकी जो प्रकरण है पूरी जाँच कर लेगी, अगर सही है तो उसमें अभी एक बार लड़की दोपहर में आई थी, कुछ अज्ञात पदार्थ खा लिया था, अभी इलाज किया गया, थोड़ा सुधार है, हमको वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। अभी हालत इतनी चिंताजनक नहीं है, हालत पहले से बेहतर है।